बच्चों हम बीएससी पार्ट थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई जा रही है। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी अणु रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाते, वे ही अणु रोटेशनल स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं, जैसे HBr, HCl, H2 आदि आदि। और यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, सभी रोटेशनल ट्रांजिशन अलाउ भी नहीं है, केवल वो ही रोटेशनल ट्रांजिशन अलाउ है जिसमें जिनकी क्वांटम संख्या में एक इकाई अंतर हो। जैसे डेल जे बराबर प्लस माइनस वन, यहां प्लस वन का अर्थ है रेडिएशन का अवशोषण और माइनस वन का अर्थ है रेडिएशन का उत्सर्जन। बच्चों हम आपको ये और बताना चाहेंगे, जब अणु एक क्वांटम संख्या से दूसरी गुणन क्वांटम संख्या में जाता है तो उसमें ऊर्जा अंतर कितना होता है। मान लीजिए कोई अणु J बराबर J प्लस वन में गया, तो जो उसका ऊर्जा अंतर होगा वो हम इसको निकाल सकते हैं 2B कोष्टक J प्लस वन पर सेमी होगा। अब पुनः हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, यहां अब मान लीजिए कोई रोटेशनल ट्रांजिशन J बराबर 0 से J बराबर 1 में हुआ, यह हम कह सकते हैं J बराबर 1 से J बराबर 2 में हुआ, तो यह ट्रांजिशन तो अलाउ है, परंतु यदि गुणन क्वांटम संख्या में अणु J बराबर 0 से J बराबर 2 में जाता है या J बराबर 1 से J बराबर 3 में जाता है तो ये रोटेशन ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। मुख्य जो सिलेक्शन रूल है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यही है, नंबर एक अणु परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, दूसरा उनकी गुणन क्वांटम संख्या में एक का अंतर होना चाहिए, एक इकाई का अंतर होना चाहिए, अर्थात डेल जे बराबर प्लस माइनस वन, तभी रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी अणु दर्शाएगा, वरना अणु रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दर्शाएगा। थैंक यू।